बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो हमारे बालों को रिपेयर करने के साथ साथ हमारे बालों को मजबूत करने का भी एक अहम रोल निभाती है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो हमारे बालों और स्कैल्प में छुपी गंदगी और ऑयल को निकालने का काम करती है। एंड फ्रेंड्स, हम अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या कुछ नहीं ट्राई करते हैं, क्या कुछ नहीं नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने बालों में, जैसे कि कैरेटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कर्ल, कितना कुछ नहीं ट्राई करते हैं हम अपने बालों में। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे बालों को काफी हद तक इफेक्ट करती है। तो जहां बात करते हैं समर सीजन की, तो समर सीजन आ गया है जिसमें मोस्टली ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि अगर हम थोड़े देर के लिए भी बाहर चले गए तो हमारे बालों में एक अलग सा चिपचिपापन, अलग सा गंदगी हमको लगता है हमारे बालों में। क्योंकि गाइस, इसकी वजह ये है कि हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमारे बालों में स्वेट आ जाता है, पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से बालों में गंदगी, डैंड्रफ वगैरह कई तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है और वो जो चिपचिपा लुक होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। बट गाइस, यहाँ पर मैं ऑयली स्कैल्प के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ जिससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी का पैक जिसमें हमें लगेगा 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक पूरा यहाँ पर नींबू, जो लेमन होता है उसका जूस निकालना है यहाँ पर। उसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको इसका अच्छा एक थिक पेस्ट बना लेना है ताकि आप अपने बालों के स्कैल्प में और बालों में अच्छी तरीके से लगा सके। आप इसे थोड़ा सा थिक करने के लिए थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए हमारे बालों की। इस तरह थिक पेस्ट बनाने के बाद आपको आपके स्कैल्प में आपको इसे लगाना है अच्छी तरीके से। पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगाने के बाद अगर थोड़ा सा पेस्ट बच जाता है तो आपको आपके नीचे के जो हेयर्स है उसमें भी लगा लेना है। गाइस, इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने दें। 20 मिनट के बाद आपको अच्छी तरीके से आपको हेयर को वॉश कर लेना है। भाई, सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर आती है फ्रिजी हेयर्स। यहाँ पर सिर्फ कर्ली हेयर्स वालों को ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उनके सामने भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनके बाल वॉश करने के बाद में, कंडीशनर अप्लाई करने के बाद में भी उनके बाल फ्रिजी हो जाते हैं। वो लोग अगर कोम यूज़ करते हैं तो कोम भी अच्छे से नहीं चल पाती उनके हेयर्स में। बट गाइज, ओनली कंडीशनर अप्लाई करना अपने बालों के लिए सोल्यूशन नहीं है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो हेयर्स में प्रॉब्लम होती है वो ये केमिकल वाले जो कंडीशनर होती है उनके वजह से होती है। ये सब चीज़ें आप यूज़ करना बंद करें। अगर आपकी फ्रिजी हेयर्स है तो आपको एक छोटी सी चीज़ करना है जिससे आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइन, स्मूद और मजबूत भी हो जाएंगे। सो गाइज, फ्रिजी हेयर्स के लिए यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस मुल्तानी मिट्टी में आप ये कुछ चीज़ें मिला है जिसमें फर्स्ट आता है 2 चम्मच यहाँ मुल्तानी मिट्टी ले, 1 egg white ले, 1 चम्मच दही ले, 1 स्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है। इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेना है आपको। गाइज, इसके पहले मैंने आपको स्कैल्प में लगाना बताई थी क्योंकि स्कैल्प की प्रॉब्लम थी, वो स्कैल्प हमारा ऑयली स्कैल्प हो जाता था, ऑयली हेयर्स हो जाते थे, इसलिए हमने वो स्कैल्प में यूज किया। बट गाइज, इसको आपको स्कैल्प में नहीं यूज करना है, आपको इसको हेयर्स में यूज करना है क्योंकि हमारे फ्रीजी हेयर्स है तो उसमें शाइन लाने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम हेयर्स में अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसे आधा घंटा रखने के बाद आपको इसे अच्छे से धो लेना है। और अगर गाइज आपको लग रहा है कि अंडे की बदबू आपके हेयर्स में है, सो गाइज आपको करना है कि एक मग पानी में आपको एक नींबू लेना है, उसका रस डाल के उसको आपके हेयर्स में अच्छे तरीके से इसे धो लेना है। 5 मिनट इसे रखने के बाद आपको अच्छे पानी से, सादे पानी से इसे धो लेना है। गाइज, ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे अप्लाई करते हैं हफ्ते में, अगर एक बार भी आपने अप्लाई की तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये। मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे बालों में एक अच्छा क्लींजर का भी काम करती है। सो गाइज, इस मेथड से अगर आप यूज करते हैं सो आपके अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो हेयर फॉल भी होना बंद हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, मार्केट की जो केमिकल वाली चीजें है उसको अप्लाई ना करते हुए अगर आप इस तरीके से घर में ही अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको काफी हद तक एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसे रेगुलर ट्राई करते हैं तो। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, कुछ लोग यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी को खाते भी हैं, सो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके इसे
खाते हैं तो ये आपके बॉडी में जाके आपके ब्लड जो होता है उसको सोक कर लेती है। तो इससे आपके बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर आप थोड़ी भी देर धूप में चले गए तो गाइज आपको चक्कर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपका सिर दर्द होने लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है। सो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप इसे बिल्कुल ना खाएं। अगर आप इसे फेस में अप्लाई करते हैं, अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो गाइज यहाँ पर हमने मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के इस तरह अपने बालों पे यूज किया। गाइज आपके बालों को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा अगर आप इसे इसी तरह अप्लाई करते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक देकर शेयर जरूर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।